अच्छा इधर देखो, सबको आवाज आ रहा है ना? अच्छा लास्ट वाला तुम लोग को समझ में आया कि क्या बोला था मैंने? रुको यार, इसको थोड़ा उल्टा कर देना। अच्छा ये याद आ रहा है इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए थे? किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा, पानी में ज्यादा सॉल्युबल कौन? पैरा। रीजन यार, सॉल्युबिलिटी का कारण है पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना। ये ऑर्थो वाला तो अपने साथ ही बना लेगा ना इंट्रामोलिकुलर, तो पानी के साथ तो बना ही नहीं पाएगा। ठीक है, विच इज मोर वॉलेटाइल? लेस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है एसिडिटी। तुम लोग जीओसी में गलत आंसर दिया था पहले, फिर से रिवाइज करो, बार बार बोल रहा हूं, रिवीजन करो। एसिडिटी ज्यादा किसका होता है? होना चाहिए ऑर्थो वाले का, बट होता सेकेंड वाला है। फिर से वही स्पेशल केस लिखाए थे जीओसी में, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। ठीक है, रीजन एक बार देख लेना, सब कुछ हुआ था, सब कुछ ये बार रिवाइज करना, मैं सब कुछ उसमें बताया था। चलो ये तो हम लोग कर लिए हैं, अब नेक्स्ट पेज पे जाओ। ये तो कर चुके हो, ये याद रखना इसके बारे पर। नेक्स्ट पेज पे जाए, लिखो रेमर टेमर रिएक्शन। देखिए, फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसको बोलते हैं? CHCl3। सर ये पहला स्लाइड है क्या? दूसरा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बेसिकली मैकेनिज्म ये है, सॉरी मतलब ये करना है। फिनॉल दिखाई पड़े, पहले CHCl3 और NaOH डालते हैं, बाद में H3O+। तो ये बनता है। कॉपी करिए पहले। इसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, सैलिसिल डिहाइड।
ठीक है, नाम याद रखना इसका, सैलिसिलडिहाइड नाम है। चलो ये हो गया, अच्छा मैकेनिज्म देखो, अच्छा पहले ये याद आ रहा है, क्लोरोफॉर्म से पहले ये बनता है, ये जो बेस है दो काम करेगा, क्लोरोफॉर्म से ये बनाएगा, ये मैं मैकेनिज्म पहले बता चुका हूं, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होना चाहिए, कार्बिन बनाएगा, ये क्लियर है कैसे बनाया मैकेनिज्म, तो पहले तो कार्बिन बनाए, ठीक है। अच्छा कार्बिन जो बना है CCl2 कार्बिन, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्यों होगा, बिकॉज इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोफाइल तो है बट अ वीक वन, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्या रीजन होगा बताओ, ज्यादा क्या रीजन होगा, ये अगर याद हो तो थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज हो जाएगा ना, देयर इज सम स्टेबिलिटी गेन्ड ड्यू टू, सॉरी इस सॉरी इससे बेटर ये वाला लोन पर, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ये सबसे पहले क्लियर है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल तो है तो वीक इलेक्ट्रोफाइल, इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एन इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अच्छा विच इज एक्टिवेशन, फिनॉल इज मोर एक्टिव और बेंजीन इज मोर एक्टिव, विच इज मोर एक्टिव एक्टिवेटेड, फिनॉल इज मोर एक्टिवेटेड, सो इसीलिए ये रिएक्शन फिनॉल के साथ होता है, इट इज नॉट सफिशियंटली रिएक्टिव इनफ टू रिएक्ट विद बेंजीन, इसीलिए बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं है, बट रिएक्ट्स विद फिनोलिक ग्रुप, वेयर बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड। अगर बगल वाला वीक हो तो सामने वाला तो ताकतवर होना चाहिए, मतलब रिएक्शन करने के लिए कोई एक तो ज्यादा रिएक्टिव हो, इसको इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल तो CCl2 के पास है, लेकिन क्लोरीन इसको थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज रखा हुआ है, इट इज इसीलिए इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है कि बेंजीन को जाकर के रिएक्शन कर जाए, देयर इज नो रिएक्शन विद बेंजीन, हम लोग इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं,
क्लियर है? बेस है ना, हाँ मतलब फिनॉल ही बात कर रहा हूं, उसमें OH हैज एक्टिवेटेड द बेंजीन रिंग। OH माइनस का मैकेनिज्म स्मिट भूल गए क्या? OH माइनस कैसे बनाता था? एसिड डिकेश निकालता था, Cl माइनस रिपल्शन से बाहर निकलता था। ठीक है चलो आगे बढ़ रहा अच्छा इधर देखो, मैकेनिज्म का दूसरा पार्ट, बेस का एक और रोल है, अच्छा फिनॉल होगा तो बेस क्या करेगा, एसिडिक एच को ले लेगा और क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। मतलब बेस ने दो काम किया है, कौन कौन से दो काम किए हैं बेस ने दो काम किया है कौन कौन सा, एक तो कार्बिन बनाया है और दूसरा क्या बनाया है, फिनॉक्साइड आयन। ऑब्वियस बात है एसिड बेस रिएक्शन भी चल रहा होगा, तो सिस्टम में दो चीजें हैं, इट इज नॉट फिनॉल विच विल रिएक्ट, इट इज फिनॉक्साइड आयन। इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड फॉरवर्ड, याद है ना पीके वैल्यूज, इक्विलिब्रियम अच्छा खासा फिनॉक्साइड आयन बने, ऊपर से फिनॉक्साइड आयन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर भी है, ओ माइनस और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। तो अब देखो मैकेनिज्म क्या होता है, देखो मैकेनिज्म, ये रेजोनेंस करता हुआ नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर है, नेगेटिव चार्ज तो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर है, तो ये नेगेटिव करता हुआ यहां आएगा और ये इसके अंदर चला जाता है, ये क्लियर है? कैसा बनेगा बताओ, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, अच्छा कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा ना, पहले से न्यूट्रल था ये सबसे पहला स्टेप मैकेनिज्म का, क्लियर है? अब देखो मैकेनिज्म का दूसरा स्टेप, अच्छा देखो अब दूसरा स्टेप, अच्छा विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, OH माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है कि C माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, सिस्टम में अब दो बेसेस आ गए, OH माइनस भी है और C माइनस भी है, और C माइनस बगल में भी है, तो इसका मतलब यार C माइनस ही, देखो अब क्या होता है, इस एसिडिक एच को खींचता है, यही जाकर के इस H प्लस को खींचेगा, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज,
अच्छा क्या हुआ इसमें बताओ, इंट्रामोल के प्रोटॉन एक्सचेंज में क्या हुआ, H किस फॉर्म में निकला, H किस फॉर्म में निकलेगा, H प्लस, H किस फॉर्म में निकलेगा अपना, दोनों इलेक्ट्रॉन जो ग्रीन में है छोड़ करके जाएगा ना, ये दोनों तो वापस टॉटोमराइज कर जाएंगे, एरोमैटिसिटी गेन्ड, क्लियर है। और कार्बन का क्या हालत होगा, कार्बन का दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, जब भी फिर से ग्रीन में डाला हूं, चलो ब्लू में डाल देता हूं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इसने एक H प्लस गेन किया तो एक H को दिया, एक अपने पास रखा, दोनों आपस में स्टेबलाइज, यही होगा ना। और यहां का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो तुरंत रेजोनेंस, तो ये बनेगा, चेक करो तो ये बनेगा आफ्टर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इसको IMPE बोलते हैं। कोई डाउट है इसमें, बेस कार्बन ने ही नेगेटिव चार्ज उठाया, H प्लस खींचा वो बेस, कार्बन क्या हो गया न्यूट्रलाइज, अच्छा कार्बन तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, तो कार्बन हो गया न्यूट्रलाइज और ये बन गया। चलो आगे बढ़ूं, मैं समय से आप लोगों को आधा मिनट दूंगा, एक मिनट का समय नहीं दूंगा, जल्दी कॉपी करो, सिलेबस बहुत पीछे है, हम लोग उस हिसाब से कॉपी करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा तुम ही लोगों को, यू ओनली गेट 30 सेकेंड्स, ये तो रिकॉर्डिंग देख ही लेना। यहां पर IMPE ये बन गया, सबको क्लियर है यहां तक, H प्लस निकला जो ग्रीन में दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तुरंत टॉटोमराइज कर गया नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज H प्लस गेन करके न्यूट्रलाइज हो गया। अच्छा अब देखो तो ये बना, इसमें बेसिक मीडियम चल रहा है OH माइनस, SN2 हो सकता है, फिर से SN2 हो सकता है ना, तो क्या होगा बताओ, O माइनस, यहां से क्या बाहर निकलेगा, ये आप लोग पहले ही कर चुके हो, एक ही कार्बन पर दो OH है तो क्या बाहर निकाल देना है, H2O, और फाइनली जब इसमें डालते हैं एसिडिक मीडियम H3O प्लस, तो ये क्या करेगा, पूरा बेसिक मीडियम को खत्म करेगा और ये जो O माइनस है यहां पर लगाएगा OH। और यही तुम्हारा सलाइसिलडिहाइड। बताओ अब कोई डाउट इसमें, क्या मैकेनिज्म में कोई डाउट है पूछो। हाँ हाँ वही बैक साइड अटैक जो हो रहा है। बताओ मोनिश क्या नाम होगा पैरा वाले का, पैरा वाले का तो नॉर्मल कॉमन नेम
कुछ नहीं है उसका, तो वही नॉर्मल आईयूपीएसी नेमिंग। अच्छा व्हाई इज दिस फॉर्म्ड एज मेजर एंड नॉट द पैरा वन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी गुड। बेंजीन डज नॉट अंडरगो आरटी, मतलब मैं लिख लो पहला पॉइंट। Cordy flow formation of carbene is the RDS. सर एसएन टू नहीं समझा। कौन सा एसएन टू कैसे? एसएन टू क्यों, मतलब समझा उसमें क्या है? नॉर्मल एसएन टू जो नॉर्मल होता है जो हमने, मतलब उसमें समझना क्या है? तो पहली कर चुके हैं। बेंजीन ने ब्लॉक किया है ना पीछे से। बेंजीन, अरे स्मिट, बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है इस कार्बन का? ये प्लेनर स्ट्रक्चर। अच्छा ये सब याद है, इसमें और इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन था, इसमें और 3 डिग्री हैलाइड में ज्यादा रिएक्टिव यही था। अरे बेंजीन तुमको दिख रहा है 3D मॉडल में, ये पूरा साफ प्लेन ग्राउंड है यार ये। ये ऐसा है, तुम लोग भूला मत कर भाई, ऐसे तो ऑर्गेनिक पूरा का पूरा साफ ग्राउंड है। ग्राउंड समझता है, समझो बहुत अच्छे से आएगा अटैक करने, बहुत अच्छे से। ये बेंजीन इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, ये तो बहुत अच्छा बात है। तुमको, तुम लोग कैसे देखते हो ना, तुम लोग जैसे बोर्ड पर बना है वैसे देखते हो, तुम लोग ये दिमाग लगाते ही नहीं हो कि एक्चुअली में वो 3D में कैसा होगा। और यहीं पर अगर वो कार्बन का बगल वाला कार्बन अगर sp3 होता है तब ये जाकर के टेट्राहेड्रल होता है, तो ये प्रॉब्लम करता है। हर चीज को बहुत ही मॉडल डीपली समझो ना यार, मतलब वो मॉडल के हिसाब से वो 3D में कैसा होगा, ऐसा नहीं जैसा तुम लोगों को दिख रहा है बोर्ड पर बना दिया गया। ऑल ऑफ दीज आर 3D डायग्राम्स। ये क्लियर है? तो ये तुम्हारा का रिएक्शन हो गया। अच्छा एक और चीज देखो इसमें, देखो इधर देखो, साइंटिस्टों ने भी एक और काम किया था। साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने इसका रिएक्शन कराया। तो उनको क्या मिला, ये तो मिला ही
बताओ क्या होगा आंसर, एक पैरा पोजिशन तो ब्लॉक डी है, ये तो मिला ही, साथ ही साथ ये भी मिला, कॉपी करो पहले इतना। अच्छा अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कैसे बना होगा, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कैसे बना होगा। देखो उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, उनको लगा कि ये क्यू बन रहा है। अच्छा प्रोडक्ट मेजर वाला तो हम लोग बना ही सकते हैं, वन प्रोडक्ट तो बना ही लोगे ना, वो तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन ऑफ अनप्रोडक्टेड प्रोडक्ट, अच्छा क्या होगा बताओ मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे पहले O माइनस, उसके बाद क्या हुआ होगा बताओ, रेजोनेंस करता हुआ इधर आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक किया होगा, यही वो होगा ना। यही तो है, ठीक है ये क्या बनेगा बताओ, यहां पर क्या आएगा, सी सी एल सी एल, और यहां पर कौन सा चीज माइनस। अच्छा यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो सकता है क्या, यहां इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो सकता है क्या, नहीं 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 हो सकता ना, ऐसी नहीं है। तो इसका मतलब ये कार्बन जो होगा ये जरूर पानी से अचलेगा, या चलो पानी से अच लेते हैं, ये बनेगा। पहले यहां तो कॉपी करो, कहां से लिया ये, कहां से लिया गेन, क्या करेगा, एक्वस मीडियम है, पानी से ही लेगा और किससे लेगा। यहां तक क्लियर है, नोट कर लिए।
अच्छा अब स्मिट तुम्हारा बात यहां फिर सही है, यहां फिर दिमाग लगाते तो सही है। अच्छा इसका फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा क्या? इसका फिर फर्दर SN2 मत करा देना। रीजन अब ये बेंजीन नहीं है, इसमें तो ध्यान देना इधर। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये जो ब्लू वाला है, व्हाट इज दैट हाइब्रिडाइजेशन? SP3। हाँ तो अब SP3 हाइब्रिडाइज है, वो अब प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। तो दिस यही कारण है जो साइंटिस्टों ने देखा कि ये बन गया, तो दिस इज रेजिस्टेंट टू फर्दर हाइड्रोलिसिस। वन स्टेरिक इंडेक्स बोल सकते हो, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है साइंटिस्ट लोग का कि ये जो बना है दिस इज इनसॉल्युबल। इतना बड़ा मॉलिक्यूलर मास बना, ये तुरंत प्रेसिपिटेट कर गया, हेंस दिस अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वॉज फॉर्म्ड। सबको याद आ रहा है ना इस टाइप का क्वेश्चन? सबको याद आ रहा है? ये वाला सीएल पे नहीं करेंगे, ये सबको याद आ रहा है? ये मैंने लिखाया है इसका SN2 नहीं होता है, और क्या लिखाया था? और एक और चीज तुम लोगों को बता दूं, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ना बच्चे बहुत लगाते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस एक ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेशंस बता दिए गए वहीं लगाना, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं करोगे फिर। स्टेरिक हिंड्रेंस एक ऑब्जर्वेशन है, तुमको नहीं फील आना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिल में, आह कितना बड़ा है, मॉलिक्यूल को दर्द होना चाहिए, और दैट इज टोटली एन ऑब्जर्वेशन। तो कुछ चीजें जो मैंने बता दिया वहां पर नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज मत लगाना, क्योंकि तुम इतना डिटेल सोच ही नहीं पाते हो, और कोई भी बच्चा तुम कहीं ना कहीं कोई थिंक मिस कर जाओगे तुम, या तुमको लगेगा बड़ा है, हो सकता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर हो, वहां रोटेशन कुछ हो गया हो। तो तुम जितना चीजें स्टिक करना स्टेरिक हिंड्रेंस के मामले में, जो चीजें फैक्चुअल है वहां स्टिक करना, वहीं पूछा जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट है तो? सर हाँ बोलो। सर वो जो दोनों पॉइंट्स है वो तो इसके रीजन है ना कि वो हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं बना। हाँ हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ इसीलिए वो CHO तक नहीं बना, यही बन गया, CHO तक नहीं बना। एक तो उसका फर्दर SN2OHOH लगेगा नहीं। हाँ दिस इज वेरी हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस। सर लेकिन हम उससे कैसे बता सकते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनेगा? मतलब इससे कैसे बस मतलब आपने लिखा ना hence this unexpected product was formed। हाँ क्योंकि आगे रिएक्शन नहीं किया ना, आगे रिएक्शन करता तो CHO बन जाता ना। ओके अच्छा वैसे स्टॉप कर गया। हाँ रिएक्शन नहीं हुआ ना यार, होना क्या चाहिए था आगे, यहीं तो हम लोग थोड़े रुके हैं, फिर OH- का भी तो अटैक करेगा, और एक कार्बन पर दो OH लगेगा तो CHO बनना चाहिए, CHO नहीं बना, यही बन के रुक गया। क्या ये क्लियर है?
सर इधर देखो, अच्छा क्वेश्चन करो ये ला। पहला तो स्टैंडर्ड है, दूसरा करो, सही आंसर क्या होगा? अच्छा थर्ड क्वेश्चन को ओएम ही कर देना, सॉरी सॉरी, थर्ड क्वेश्चन को ओएम ही कर दीजिएगा। सर मेजर बनाना है कि सारे? मेजर मेजर हमेशा मेजर। अच्छा पहले का आंसर ओ, एक और चीज इसमें ये भी ऐड करो, ओ सॉरी सॉरी रुको रुको, दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, और मैंने थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मिस कर दिया। ओ
सॉरी दूसरा खुद से ट्राई करो, ये इसको CH2Y2 करो, CH2Y2 करो। अच्छा थर्ड वाला क्या बनेगा बताओ, थर्ड वाला क्या बनेगा, कहां अटैक करेगा बताओ, ओ एम ई की ओ एच क्यों, मैकेनिज्म क्या हो रहा है, मैकेनिज्म क्या हो रहा है, सबसे पहले एसिडिक एच निकालेगा ना, टक्कर ओ एच वर्सेस ओ एम ई का टक्कर है कि टक्कर O- वर्सेस OME का है, व्हाट इज अ किस किन दोनों के बीच में, O- है ना, तो O- होगा तो OH के रिस्पेक्ट में, तो या तो आंसर यहां हो सकता है या तो आंसर यहां हो सकता है, मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा रीजन स्टेरिक हिंडेंस, यहां पर बेंजीन में याद आ रहा है हमेशा स्टेरिक हिंडेंस लगाते हैं, दिस इज मेजर, OME का ऑपोजिट मत कर देना, मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, नहीं स्मिट मेजर, यहां पर स्टेरिक हिंडेंस हमेशा डोमिनेट करता है, यहां पर इन बेंजीन के रिएक्शंस में हमेशा वही करते आ रहे हैं, और इस फेमस कंपाउंड का नाम है वैनिलीन, इसको याद रखना, दिस इज नोन एज वैनिलीन, सर। सर माइनर वाला OH के साइड जो, हाँ ऑर्थ वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट नहीं करेगा, यहाँ स्टेरिक हिंडेंस, इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड इंडस्ट्रियल कंपाउंड है वैनिलिन, VANNILIN, इसका आंसर। सर इसके मैकेनिज्म में OME का कोई यूज नहीं था ना, नहीं नहीं कोई यूज नहीं, वो सब स्टेरिक हिंडेंस दिखाने के लिए, और आप लोगों को कुछ लोग तो फंस ही जाते हैं, OME का ऑपोजिट डाल ही दिए थे, कहां अटैक करेगा, फिर से स्टेरिक हिंडेंस, कहां अटैक करेगा, यहां पर पैरा क्यों नहीं किया, पैरा पैरा भी माइनर है, लेकिन हम लोग क्या लगाएंगे, स्टेरिक हिंडेंस, यहां पर याद रखना, इसका आंसर। कहां अटैक करेगा, सर उधर एमए के वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, एमए की वजह, फोर वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आ गया, लेकिन फोर्थ वाला में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्राइटेरिया नहीं है, तो थर्ड वाला भी वही होता, थर्ड वाले में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया नहीं काम किया, ये लिख लो, इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स लिख लो, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स मेजर प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय स्टेरिक हिंडेंस,
सर लास्ट वाले में है, लास्ट वाले में बताओ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ लास्ट वाले में इनफैक्ट ये तो पैरा पोजिशन ब्लॉक डी है, बगल में ही जाएगा एक्चुअली में। चलो एक और पॉइंट लिखा देता हूँ, ये जो अगर मेजर बनता है ना ऑर्थो सी एच ओ, ये भी लिख लो, पहले कॉपी करो, नेक्स्ट बता रहा हूँ। क्योंकि अगर वो स्टेरिक नहीं है तो वो लास्ट वाले बेंजीन के लास्ट में भी लग सकता है ना, कैसे लगेगा उसको वो नहीं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो। हाँ वही बता रहा हूँ, बता रहा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही वो फैक्टर हो जाता है जनरली। अभी जो मैंने लिखाया फॉर फिनॉल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डोमिनेंट, सुन लो, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स देन मेजर इज डिसाइडेड बाय स्टेरिक हिंडर्स। और पहले वाले रिंग को क्यों अटैक किए, ज्यादा एक्टिवेटेड, इसे डायरेक्टली लगा हुआ है एक्टिवेशन। सर पर प्लस एम डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है ना, हाँ तो उसका ऐसा जाएगा ना, तो आप दोनों फैक्टर भी बोल दिया ना, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर भी लग गया ना, बोल तो दिया वहां पर इस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर भी लग जाएगा, लेकिन वैनिलिन वाला केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा तुम लोग को ये याद आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला वैनिलिन वाला केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर इज नॉट डोमिनेंट, स्टेरिक हिंडरेंस इज डोमिनेंट, उसमें वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर भी आ गया होगा। ठीक है, अच्छा इधर देखो आप ध्यान से, हाँ इसका आंसर क्या था सब लोग बताइए, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, यहां पर तो क्या बनाएंगे, यहां पर तो कहीं बनाओ यार, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ओएच के नीचे डालो कि दूसरे ओएच के नीचे डालो, बात क्या है, एक ही प्रोडक्ट है, उसके बाद क्या करें बताओ, उसके बाद क्या करेंगे बताइए, सी एच टू आई टू क्या किया होगा, ये O माइनस क्या करेगा, दो आयोडीन का मॉलिक्यूल है, अटैक करके बाहर SN2 रिएक्शन, क्या क्लियर है, दिस विल द प्रोडक्ट, सर एक कार्बन पे दो आयोडीन कहाँ, हाँ क्यों नहीं हो सकता, अरे स्मिट वो अगल बगल, वो एक कार्बन अगल बगल कार्बन पर आयोडीन से निकालते थे ना, OH निकालते थे ना, हाँ तो OH कहाँ लगा हुआ है एक कार्बन पर, दो OH कहाँ मिल रहा है तुमको एक कार्बन पर दो OH कहाँ दिख रहा है, उससे भी बड़ा है ना, अरे यार ऐसे लॉजिक नहीं लगता है यार, नेट ऐसे लगाना चला तब तो हो गया, रीजन याद है क्या बताए थे,
OH क्यों निकलता है बता, रीजन भूल गया होगा। लोन पर अटैक करते हैं। हाँ, एक आयोडीन का साइज बड़ा है तो दूर दूर है कि नहीं? हाँ सर, समझा। हाँ तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक में एकदम ध्यान से देख सब कुछ, बहुत बुरा फंस जाएगा आईटी में, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका लॉजिक एकदम बहुत टू द पॉइंट होना चाहिए, और अगर इतना टू द पॉइंट नहीं सोच पाते हो, ज्यादा सोचो ही मत, ज्यादा सोचे और सही दिमाग नहीं लगाए, ये मीडियम एवरेज लेवल पे चल दो, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। या तो जीनियस रहो, सिंपल, ऑर्गेनिक इज गेम ऑफ जीनियस, जिसको सब चीजें याद आ रहा हो, एक एक चीज टू द पॉइंट, और नहीं तो एवरेज खेल कर निकाल दो अच्छा मार्क्स आईटी में। एवरेज मतलब ठीक है, ऑन एन एवरेज कुछ चीजें याद करके लॉजिकल लगाकर, ज्यादा दिमाग लगाने गए तो बोला ना तुम कुछ पॉइंट मिस कर जाओगे। मतलब स्मिट को नहीं बोल रहा हूँ, जनरली क्लास को बोल रहा हूँ, इससे मैंने प्रॉब्लम्स देखे हैं। बच्चे क्या करते हैं, एकदम ज्यादा ही दिमाग, वो भूल जाते हैं कि साइंस, या तो एकदम जीनियस माइंड हो, जीनियस क्या होता है, वो सब चीज पकड़ लेता है, मॉडल भी 3D में देख रहा है, वो बॉन्ड लेंथ के वैल्यू भी देख रहा है, वो हर फैक्टर देख रहा है, क्योंकि आप एक फैक्टर भी मिस नहीं कर सकते हो। नहीं तो एवरेज में खेलो, अच्छा मार्क्स ले, खेलो एवरेज, मतलब ठीक है, लगाना है हर जगह, एक्स्ट्रा पोल्यूशन नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? अच्छा, इधर देखो, ये लिखो सब लोग, नॉर्मल रिएक्टिव रिएक्शन, देखो नॉर्मल रिएक्टिव रिएक्शन क्या हुआ है, जैसे साइंटिस्ट लोग ने यही काम पायरोल के साथ करा है, अरे बेंजीन जब काम कर सकता है तो पायरोल भी तो करना चाहिए ना, ये तो हम लोग किए हुए ना, बोथ ऑफ देम आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा बताओ, पहले सीएचओ कहां अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, पोजीशन बताइए, बताओ पोजीशन वन की पोजीशन टू, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता था, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, भूल गए क्या? अरे स्मेट्स, इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करता था ना पोजीशन टू पर, भूल गया क्या? अभी जस्ट तो किया एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे करते थे, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम है, ये तो बना साइंटिस्ट लोग को, साथ में ये भी दिखाई पड़ा, नाउ दिस वाज द अगेन एबनॉर्मल प्रोडक्ट। ठीक है, ये बन गया, देखो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस एबनॉर्मल प्रोडक्ट कैसे बना होगा, पहला का तो एक्सप्लेनेशन नहीं करना है ना, इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल रिएमेटिमेंट रिएक्शन। देखो क्या हुआ होगा, अच्छा ये याद आ रहा है कि हम लोग एल्कीन का रिएक्शन भी करते आ रहे हैं, एल्कीन और कार्बिन का रिएक्शन याद है, एल्कीन और कार्बिन का रिएक्शन, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रिएक्शन कर गए होंगे, और यहां पर अच्छा, और बेस क्या किया होगा, एसिडिक एच तो निकाल ही दिया होगा, बेस एसिडिक एच निकाल दिया होगा, ये नेगेटिव आ गया होगा, यहां तो क्लियर है, बेस ने दो काम किया, लेकिन यहां पर एक ये रिएक्शन याद आ रहा है कार्बिन वाला,
पहले हाँ बोलो ठीक है सबको, यहाँ तक कार्बिन तो किए थे ना। हाँ तो अब देखो ये अनएक्सपेक्टेड पॉइंट कैसे बनता है। अब देखो क्या हो रहा है, इसके बाद नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अटैक, ये बॉन्ड शिफ्ट और लीविंग ग्रुप बाहर। अच्छा थ्री मेंबर रिंग इज अ गुड लिविंग ग्रुप, थ्री मेंबर रिंग इज अ गुड लिविंग ग्रुप ना, उसके बॉन्ड्स चाहते हैं कि टूटे, तो वो और एक बगल में एक सीएल है, सीएल आराम से अगर निकलेगा तो इधर ध्यान दीजिएगा, इस ग्रीन वाले कार्बन पर आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अगर इस सीएल को बेसिकली इसने क्या बोला, ये येलो वाला बॉन्ड बोला कि सीएल बाहर निकलो, मैं टूटता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन सप्लाई करूंगा कार्बन को, येलो वाले टूटने से इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और उसको तुरंत कौन यूटिलाइज करने वाला है, उसको तुरंत कौन यूटिलाइज करने वाला है, नेगेटिव चार्ज ऑफ एन। इससे फायदा क्या होगा, इससे पूरे सिस्टम को फायदा क्या हुआ, पूरे सिस्टम को फायदा क्या हुआ, एक तो एरोमेटिसिटी भी बरकरार, एरोमेटिसिटी तो है ही, साथ में फाइव से किस में बन गया, सिक्स में भी बन गया, एरोमेटिक भी रह गया, सब कुछ हो गया। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा एक चीज बताओ, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन पर क्यों नहीं ये कार्बिन अटैक किया होगा ऐसे, बेंजीन पर क्यों नहीं अटैक किया होगा, नहीं रे किस पे, अरे यार पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं ये हम लोग किस चैप्टर में किए हैं, अपना थॉट प्रोसेस ऑर्गेनिक में सही करो। आप लोग के कुछ ही, आप लोग का एक चीज में नोटिस किया हूं, आप लोग कुछ ही में घूमते रहते हो, बॉन्डिंग स्टेरिक रिपल्शन बस, आपका थॉट प्रोसेस बहुत सही प्रैक्टिस आएगा। मुझे एक चीज बताइए, ये जो एल्कीन का रिएक्शन था दैट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसमें ज्यादा होगा ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ रिएक्शन करेगा। और ये तुम लोगों को जीओसी में याद आ रहा है कि मैंने किस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला था, पायरोल पे बोला था कि बेंजीन पे बोला था, ये याद आ रहा है किस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बोला था, अब यही भूल गए होगे, विच इज मोर रिएक्टिव, ये ऑर्डर भी याद है, पायरोल वॉज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, तो इसका मतलब पायरोल पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है ना, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर पाया, लेकिन बेंजीन में ऐसा काम नहीं किए। क्या क्लियर है सबको, कॉपी करो। चलो आगे बढ़ूं, ये नोट कर लिया सब लोग,
सो लिखो क्वेश्चन. सब लोग स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं और क्वेश्चन देने वाला हूँ. स्क्रीनशॉट लीजिए. एक ही साथ कम से कम 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 मिनट दूंगा. स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग. सरस्वती क्या ये होता है? नहीं दिमाग लगाओ, क्वेश्चन करो क्या होना चाहिए. हाँ सेकंड वाले में भी B3O+ ही. हाँ सेकंड वाला मतलब सेम काम. चलिए करिए थे क्वेश्चंस. 8 क्वेश्चन हो गए ना.
क्या हुआ सबसे सबसे हुआ सर थोड़ा बाकी है। अच्छा सिक्स वाला कोई किया गया सिक्स वाला तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। पहला का आंसर क्या होगा पहला का आंसर पहला का आंसर देखो तो देखो तो आंसर लिख रहा हूं यहां क्या लगेगा ओडी और यहां सी एच ओ चेक करो तो पहला आंसर ठीक है। अच्छा दूसरा आंसर क्या होगा बताओ तो दूसरा आंसर क्या होगा वहां पर डी थ्री ओ प्लस है ना तो वहां क्या होगा ओडी होगा और यहां क्या होगा सीओडी होगा वो क्लियर है मैकेनिज्म में वो डी कैसे आया सबको सी एच क्लियर है वो डी जाता है वो बगल वाला डी जाता है। आई होप कि सबको क्लियर है मैकेनिज्म को फॉलो करो बताने की जरूरत है किसी को। थर्ड वाला क्या होगा कोई फर्क पड़ेगा क्या CDCl3 से कोई फर्क पड़ेगा क्या CDCl3 में D से कोई फर्क पड़ेगा OH ही लगेगा और यहां CHO लगेगा। एक चीज याद रखना ये H आता है हाइड्रोलिसिस से और ये एच होता है ये वाला बगल वाला बस आपको यही मैकेनिज्म को देखकर यही पिन पॉइंट करना है सी एच सी एल थ्री वाला एच का कोई मतलब नहीं है। फोर्थ वाला सेम यहां तक सबको क्लियर है आगे बढ़ूं अच्छा चलो अब सिक्स वाला करते हैं। सिक्स में सबसे पहले बेस क्या करेगा बता दो कार्बिन तो बनाया उसके बाद क्या करेगा बेस क्या करे हाँ चलो ये तो अटैक कर दिया मान लिया तो फिर उसके बाद क्या होगा कहीं कोई नेगेटिव चार्ज बना है क्या कहीं कोई नेगेटिव चार्ज बना है पाई बॉन्ड अटैक नहीं करेगा जीओसी लगाइए। अरे यार दिस एच इज हाईली एसिडिक देखो फिर से जीओसी घूम करके आ गया रीजन इनफैक्ट सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगा ये तो बाद में होता है पायरोल वाले में भी सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन पहले ये निकलता है। रीजन बताइए रीजन व्हाई इज दैट एच एसिडिक इनफ टू बी एब्स्ट्रैक्टेड सिस्टम इज बिकमिंग एरोमेटिक याद आया मेरे बोलने के बाद याद नहीं आना चाहिए हाँ सर समझा ऐसा पूरा किए वो यही तो चमकना है जिसको चमक रहा है पूरा नहीं चमक रहा है पूरा तो क्या है उसके बाद क्या होगा बताओ। अब सेम काम कंटिन्यूअस चेन क्यों नहीं है यार स्मिथ कैसा कैसा सवाल पूछता है तुम लोग ये कंटिन्यूअस चेन नहीं है ये एरोमेटिक नहीं है जीओसी भूल गया क्या इजंट दिस एरोमेटिक पूरा रेजोनेंस करेगा तब क्या तुम लोग इस पर तो क्वेश्चंस कराए हुए हैं यार कि ये फिर अटैक और सीएल बाहर। अच्छा पायरोल का जो केस दिए थे ये वाला जो केस दिए थे इसमें भी सबसे पहले यहां एक एच था ना तो बेस इस एच को निकाला होगा
पहले तो एसिड बेस रिएक्शंस क्या होगा बताओ, आंसर क्या बन जाएगा बताइए, क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सर बोलो सर, एसिड बेस रिएक्शन और इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन में ज्यादा फास्ट कौन सा होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर? नहीं नहीं, मतलब क्वेश्चन थोड़ा ऐसा, कोई केस बनाओ पहले, केस बनाओ, केस ही नहीं बना पाओगी। क्वेश्चन तो पूछ दिया बट आप केस बनाइए ऐसा। ओके तो सर मैं तो ऐसा ही होगा कि मतलब अगर हाँ एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा, वही तो। ओके तो वो फास्ट इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस में कोई, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर ऑलवेज फास्टर, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ रिएक्शन, और तुमने एक को डिफाइन कर दिया, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शंस विल बी फास्टर देन इंटरमोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शंस। इसका आंसर क्या होगा सेवेंथ वाले का? चलो नेक्स्ट पेज पे जाएं। चलो दूसरा का आंसर बताओ। सबसे पहले क्या, सबसे पहले एसिडिक एच, ये यूनिट तो पायरोल जैसा ही है ना, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन दिया, यस। उसके बाद क्या, नेगेटिव चार्ज अटैक, व्हाट इज योर आंसर? देखो तो आंसर लिख रहा हूं, इन सबको आया ये आंसर बताइए तो, तुम में से किसी को चमक रहा है कि नहीं, और क्या नहीं कि टफ लग रहा है? रिवाइज नहीं करोगे तो टफ लगा होगा, समझा? रिवाइज करो अदरवाइज ये छूट जाएगा। चलो अब इसका बताओ, एट वाला। एट वाले में CHClBrF कौन जाएगा बताओ, मुझे बताइए। फाइनली मुझे ये बचेगा, बट बचा क्या रहेगा, क्लोरीन बचा रहेगा, फ्लोरीन बचा रहेगा कि ब्रोमीन बचा रहेगा? अच्छा मैकेनिज्म याद आ रहा है, कार्बिन कैसे बनता है, कार्बिन कैसे बनता है, पहले एच निकलता है, फिर सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन निकलेगा, उसके बाद अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, वेरी गुड, यही दिमाग लगाना था, फ्लोरीन बचा रहेगा, वेरी गुड। इसमें कौन बचा रहेगा, क्लोरीन बचा रहेगा, और ये तो किया ही हो, इसमें सब कुछ सेम काम। बताओ किसी को कोई डाउट है तो, कौन बचा रहेगा, क्लियर है? कार्बीन बनाते समय पहले एसिडिक एच निकलता है, उसके बाद फिर से रिपल्शन से एक चीज निकलता है। अब क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन है तो सबसे ऊपर कौन है लिविंग ग्रुप में, ब्रोमीन, तो पहले वो निकालो। तो कार्बिन यहां किसका बना होगा, यहां का कार्बिन बना होगा CClF का, और फिर से दोबारा निकलेगा क्लोरीन, तो फ्लोरीन बचा रहेगा। मेरे ख्याल से ये बन गया होगा,
अच्छा और कोई क्वेश्चन? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ? ये तो हम लोग किए हुए ना, ये जीओसी में, सॉरी बेंजीन के चैप्टर में किए हो। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ, चेक करना बाद में। ये याद है कैसे बताए थे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? फॉर्म द कार्बोकैटायन, चेक कर। तो वैसे देखो यहीं पर अटैक करेगा, नहीं हो तो जा करके घर में देखिएगा आंसर ये वाला। सर हाँ बोलो सर, फिफ्थ वाले का आंसर किधर है? नहीं तो बनाया फिफ्थ वाला। अच्छा ठीक नहीं है, फिफ्थ वाला। हाँ सर ठीक है। सिक्स्थ में रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे करोगे तो सेम ही तो है स्मिट, क्या फर्क पड़ता है? हर जगह घूम घूम के यही तो बन रहा है, सब तो घूम के वही बन रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा एक और लिख लो, ये आगे आएगा RNH2, ये अभी के लिए लिख लेना बस। कैसे बनता है वो आगे आएगा, ये बनाता है RNC, ये पहले बताया हूं शायद। तो अगर मान लो कोई ऐसा केस आ जाए, और इसमें डाल दिया जाए CHCl3 और KOH, क्या होगा आंसर? ये तो बना ही देना, मैकेनिज्म लेटर आएगा, ठीक है लेटर, तो अभी के लिए याद रखना है इसको। इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइन। ठीक है, दिस इज आइसोसाइनाइड। कैसे आएगा वो आगे देखेंगे, अभी कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, NH2 लगा देगा और बोलेगा बनाइए प्रोडक्ट, तो तुम NH2 को छोड़ दोगे, जबकि NH2 में भी NC बन गया होगा। कैसे बना वो आगे आएगा, अमीश के चैप्टर में लेटर पार्ट है। अच्छा लिखो एक लास्ट पॉइंट, रिएमरटेमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट by taking CCl4 इसका नाम होता है सलाइसिलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
कॉपी करी। सीएन क्यों नहीं समझा? नहीं सीएन मतलब समझा नहीं स्मिट, कौन सा बोलो? सिक्स में सीएन नहीं समझा क्या बोल रहे हो? अरे वो तो, अरे वो मैंने बोला ना मैकेनिज्म आगे आएगा, आरएनसी बना के आरसीएन बना, वो मैंने बोला ना आगे आएगा, उसको क्यों अभी दिमाग लगा रहे? उसको अभी के लिए याद रखना ठीक है। चलो इसका खुद से बता सकते हो मैकेनिज्म कैसे बना होगा सीसीएल फोर के साथ? कैसे बना होगा बताइए? बेस एसिडिक एच लिया होगा। अच्छा यहां कोई कार्बिन बन सकता है क्या? यहां तो कोई कार्बिन नहीं बन सकता ना। नेगेटिव ये बना होगा। अच्छा यहां पर एसिडिक एच कौन निकालेगा? एसिडिक एच इंट्रामोलिकुलर तो हो नहीं सकता, तो एसिडिक एच यही निकालेगा, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा वो तुरंत। उसके बाद क्या होगा बताओ? हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? तीन बार अटैक करेगा CHO 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 सॉरी OH OH पानी क्या करेगा? बेसिक मीडियम चल रहा है इसीलिए जब तक बेसिक मीडियम चलेगा तब तक तो यार एसिड रह नहीं सकता, तो आपको अगर चाहिए तो आपको उस बेसिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, एसिडिक एच छोड़ना पड़ेगा और फिर ये बनेगा। बोलो इसमें किसी को डाउट है तो। स्मिट ये क्लियर है? स्मिट क्लियर? मुनीश प्रयुष सक्षम आया आज? सक्षम नहीं है?
चलो आगे बढ़े। हो तो गया 30 सेकेंड्स मोनीश, 30 सेकेंड्स। अच्छा एक चीज देखो, तुमने बुकलेट में एक चीज दिया हुआ है, मैं अभी बता दे रहा हूं। एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, बट सर्टेन कंपाउंड्स आर स्टेबल। ये एल्डिहाइड की टोन में आएगा, लेकिन तुम लोग के बुकलेट में एक सवाल दिया था तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। जैसे ये वाला कंपाउंड, इसको क्लोरल बोलते हैं, इसको याद रखना। वैसे ही एल्डिहाइड कीटोन में डिटेल्स में आने वाला है। यहां ये स्टेबल है, एक ही कार्बन पर दो OH स्टेबल है। अच्छा व्हाट कैन बी द एक्सप्लेनेशन? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरीन के साथ नहीं होता ये तुमको नहीं मालूम है। क्लोरीन के साथ तीन जगह होता है, तीन जगह होता है बस पूरे केमिस्ट्री में, उसमें से एक ये है। क्लोरीन के साथ पूरे केमिस्ट्री में तीन जगह होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनमें से एक ये है, इसके अलावा नहीं होता है। तो इसको याद रखना, ये स्टेबल है क्लोरल, तुम लोग के बुकलेट में दिया है इसीलिए बता दिया, और ये आगे आएगा भी। ठीक है, एक ही कार्बन पर दो OH, और क्लोरीन जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है, बट दिस इज वन केस जहां ये शो कर रहा है। तीन जगह है पूरे केमिस्ट्री में, इसके अलावा कहीं नहीं। बाकी दो जैसे ऐसे आएगा बताऊंगा, पहला एक केस तो नोट करो। सर हाँ बोलो। एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होता है, वो रिपल्शन की वजह से क्या? हाँ हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जहां पर ये स्टेबल देखा गया है, जिनमें से एक मैं भी वही बता रहा हूँ, क्लोरल। रिपल्शन को तुमने अट्रैक्टिव फोर्स से डोमिनेट करा दिया ना, रिपल्शन को आपने अट्रैक्टिव फोर्स का लालच दे दिया, तो फिर रह गया दोनों OH, बोला ठीक है भाई। हाँ सर, और ऑपोजिट साइड भी है दोनों लोन पर। अरे ऑपोजिट साइड का क्या मतलब, ये 3 डिग्री होता है ये, इसमें ऑपोजिट क्या है? दिस इज नॉट ऊपर नीचे, थोड़े ना प्लेनर भाई, अभी बोले ना मॉडल 3D वाला है ना। ओके हाँ, इसमें भी ऐसे बना दें। आप बोलोगी सर अब तो, आप तो ये स्टेबल हो गया, ऑपोजिट साइड है क्या सर? इसलिए वो H2O निकल जाता है। हाँ जनरली निकलता है जनरली, बट कहीं कहीं वो स्टेबल है, जैसे इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ये है, तो उसको याद रखना, बुकलेट में दिया है। लेकिन जनरली आप बाहर निकालोगे, और कहां बाहर नहीं निकालना है वो मैं बताऊंगा लेटर चैप्टर्स एल्डिहाइड कीटोन में, मैं खुद बताऊंगा। इसमें से एक जान लो, ये नहीं निकालना है क्लोरल। चलो आगे बढ़ रहा हूं। लिखिए कोलबेज रिएक्शन।
इसमें फिनॉल लेते हैं पहले NaOH CO2 H3O+ ये बनता है। देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो इसमें क्या मैकेनिज्म। अच्छा पहला स्टेप क्या होगा, पहले तो फिनोक्साइड आयन बनेगा, ये तो सबको क्लियर है। OH- माइनस आकर के एसिडिक एच निकाल देगा, क्लियर। अब देखो उसके बाद क्या होता है, अच्छा ये किसी को याद आ रहा है ये वाला CO2 कभी याद है? रिएक्शन मैकेनिज्म का चैप्टर में मैंने CO2 को भी लिखाया था कि दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन, व्हाई? बिकॉज इट इज फ्लैंक्ड बाय टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, तो ये अब इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो नेगेटिव चार्ज फिर से अटैक रेजोनेंस, यहां नेगेटिव यहां आएगा, और ये आगे एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर्स में समझोगे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। किए भी हैं, CO के पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराए हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कराए हैं, कैसा बनेगा बताओ? क्या बनेगा? O माइनस चेक करी गुड आउट। हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ाया नहीं हूं, इतना बता दिया हूं एल्डिहाइड कीटोन में होता है, इतना तो बता ही दिया हूं ना। कितनी बार की हो, कितनी बार ऐसा की हो मोनिश, CO में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक, इतना ही तो जानना है। वो अलग बात है कि हम लोग नेक्स्ट इसको डिटेल में करेंगे, बट इतना तो जानते ही हो कि इस करना है पाई बॉन्ड शिफ्ट। अच्छा इसके बाद क्या होगा बताओ? अब मुझे बताओ ये एच को कौन निकालेगा, ये एच को कौन निकालेगा? ये ओ माइनस निकालेगा कि बेस निकालेगा? ये ओ एच माइनस, विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, ओ एच माइनस और कार्बोक्सिलेट आयन, विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, विच ओ एच माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस? OH माइनस। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं है, यहाँ OH माइनस ही निकालेगा, जबकि वहां पर क्यों था इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज? बिकॉज वहां पर C माइनस था, वापस टॉटोमराइज, और इसका रीजन याद आ रहा है ना, क्यों स्ट्रॉन्गर बेस था? दिस नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट वाला, तो ये बनेगा। और अब इसमें डालते हैं हाइड्रोलिसिस H3O+, क्या बनेगा? और इस फेमस कंपाउंड का नाम सलाइसिलिक एसिड। कोई डाउट है पूछो, एनी डाउट से मैकेनिज्म पूछिए, कोई भी चीज अगर।
ये क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ रहा हूं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बताने हैं। पहले तो कुछ पॉइंट्स ऐसे नोट कर लो। पहला पॉइंट नोट करिए। If temperature is greater than 140 degree centigrade, para form is major. पूछोगे ऐसा क्यों? Wait for aldehydes and ketones. आप बस इतना सपोर्ट दीजिए कि आपको ये पार्ट याद रहे। अगर आपको याद रहेगा तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा, याद नहीं रहेगा तो मैं जितना चिल्लाऊंगा भूल जाओगे। रीजन लेटर, मैं फिर से आऊंगा। ठीक है, अच्छा देखो इसमें ऑर्थो वाला क्यों प्रिफर्ड है। मतलब मैं अगर टेम्परेचर नॉर्मली 140 से डिग्री सेंटीग्रेड का कम बात करूं तो ऑर्थो इज मेजर। लिखो इसका रीजन। देखो इसका रीजन क्या है, इधर थोड़ा तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा? हम लोग को तो लगता है यार बहुत अच्छे से सर अटैक किया, ये अटैक करके बाहर ऐसे निकल जाएगा। अब इधर ध्यान देना सब लोग। एक्चुअली में जब ये पूरा काम एक साथ हो रहा होगा, सब इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर एक बॉन्ड बन रहा होगा। अच्छा हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना, देखो हम लोग तो ऐसे दिखाए पूरा, ऐसे दिखा रहे हैं। अच्छा ये जो स्टेप बन रहा होगा, इस सब काम एक साथ जो हो रहा होगा, इसको थोड़ा ट्रांजिशन स्टेट में दिखाते हैं कैसे बन रहा होगा। बताओ कैसा ट्रांजिशन स्टेट होगा इसका? यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर एक बॉन्ड बन रहा होगा। चलो इसको दिखाते हैं ग्रीन से, ब्लू से। ये नेगेटिव बॉन्ड बन रहा होगा, पाई बॉन्ड क्या हो रहा होगा? पाई बॉन्ड टूट रहा होगा। इसके बीच में बॉन्ड बन रहा होगा कार्बन के बीच में। और यहां पर इस ऑक्सीजन का बॉन्ड भी बन रहा होगा और यहां पर नेगेटिव आ रहा होगा। यही ना ट्रांजिशन स्टेट होगा? चलो ध्यान दीजिए, ये ट्रांजिशन स्टेट है कि नहीं?
अब इधर ध्यान दो सब लोग, इसमें होता क्या है, ये जो Na प्लस होता है ना, ये बीच में इनको स्टेबलाइज करके रख लेता है, दिस इज नोन एज चेलेशन। थोड़ा और अच्छे से बना दे रहा हूं। अच्छा, दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, उनको स्टेबलाइज करके को रखेगा ना, देखो ऐसे बन जाता है। और अच्छे से दिखा रहा हूं। हाँ, इट स्टेबलाइजेस बोथ। नीचे अच्छे से दिखा रहा हूं, देखो दिस इज चेलेशन। सर चेलेशन में रिंग फॉर्म होती है ना? हाँ देखो रिंग बन रहा है ना। हाँ सर, तो ये जो है इसीलिए ऑर्थो अटैक प्रिफर्ड है। सर बोलो। सर वो कार्बन और ओ माइनस के बीच में सिंगल बॉन्ड भी आएगा ना? कार्बन और ओ माइनस तो बना तो दिया सिंगल बॉन्ड। ओ इसमें ओ सर, और दोनों ऑक्सीजन में डेल्टा माइनस रहेगा ना? हाँ डेल्टा माइनस। सर और सेकंड पॉइंट कौन से टेम्परेचर रेंज के लिए हुआ? 120 से 140 में ऑर्थो मेजर। मतलब कुछ टेम्परेचर्स मेंशन नहीं किया है तो आप ऑर्थो ही मेजर बनाइए। अगर वो स्पेसिफिकली 140 मेंशन कर दिया तो फिर मेजर बना देना तुम पैरा, रीजन आगे आएगा। लेकिन इसका मैंने रीजन दे दिया ऐसा क्यों? एक तो हार्डन बॉन्डिंग भी बोल सकते हो, बट ये एक्चुअल रीजन है, दिस इज द मेजर रीजन। चलो आगे बढ़ू। सर एक सेकंड, अच्छा अगर Na प्लस नहीं होता इनको स्टेबलाइज करने के लिए तो क्या दिक्कत होता? Na प्लस नहीं होता तो दिक्कत क्या है? अरे यार दोनों नेगेटिव चार्जेस अगल बगल आ जाएंगे कि नहीं? हाँ वेरी गुड, दोनों नेगेटिव चार्जेस अगल बगल आ जाएंगे तो रिपल्शन होगा ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दोनों ऑक्सीजन अगल बगल आ जाएंगे तो दिस विल फेस रिपल्शन, दे विल फेस रिपल्शन। ऑर्थो बनाना नहीं चाहेगा लेकिन ऑर्थो बन रहा है, इसका मतलब दोनों को एक लालच दे दिया गया। वो लालच कौन है? Na प्लस। दोनों भाग करके Na प्लस का पॉजिटिव चार्ज से जुड़ गया है। समझ में आ रहा है कैसे काम हुआ है? अदरवाइज अगर उनको स्टेबलाइज नहीं रखोगे तो दोनों रिपल्शन फेस करेंगे। Na प्लस इज द गम फेविक्विक, वो दोनों को बोला है तू भी आओ मेरे लालच में, दोनों फंस गए उसके चक्कर में। चलो आगे बढ़ रहा हूं। तो पहला पॉइंट ही हो गया, दूसरा पॉइंट लिख लिए, तीसरा पॉइंट लिखिए। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, becomes major when KOH is used. अच्छा what is the explanation? देखो reason क्या है, अच्छा साइज में लार्जर कौन है, के प्लस है कि Na प्लस है? साइज में लार्जर कौन है, के प्लस है कि Na प्लस है? के प्लस है। तो जो चेलेशन करता है ना
वो चेलेशन में साइज के कारण, लिखो पहले रीजन लिख बता रहा हूं, ये समझ में आया क्या बोला? के प्लस का साइज इतना बड़ा होता है कि वो वहां फिट ही नहीं बैठ पाता है, उन दोनों के बीच में वो अच्छे से फिट नहीं बैठ पाता है, तो इफेक्टिवली चेलेशन नहीं कर पाता है। और इसी, और अगर चेलेशन नहीं किया तो वो दोनों रिपल्शन आ जाएगा, और रिपल्शन आ गया तब तो भाई पैरा प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा। बोलो सर, केवच वाला वो सिर्फ 120 to 140 के लिए होगा या फिर सारे? नहीं नहीं, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। केवच को टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, केवच यूज किया तो हायर टेम्परेचर्स पे तो हमेशा बनेगा पैरा, वो तो अलग ही रीजन है जो आगे आएगा। इस पर कुछ भी कराओ ये बनता है। ओके सर। ये रीजन सबको क्लियर आया? उनके बीच में के प्लस का साइज अच्छे से बैठ नहीं पाता है, क्या ये क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। चलो एक और पॉइंट लिख लो। सलाइसिलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इंडस्ट्री में। इसके तीन इंपॉर्टेंट यूजर्स हैं, उसको बताइए क्या क्या बनेगा। मुझे सबसे पहले बताओ इसमें ये डालेंगे तो क्या बनेगा? इसको क्या बोलते हैं? Ac2O भी बोलते हैं। बताइए किसी को याद है क्या बनेगा? किसी को याद है? बताओ क्या बनेगा? पूरा गोल। किसी को याद नहीं आ रहा है? Ac2O कहीं किए थे कि नहीं किए थे? ये तीन बार बता चुका हूं मैं, फिडेलक्राट्स अल्काइलेशन रिएक्शन में OH को कन्वर्ट करते थे। अब याद आया कि अभी भी याद नहीं आया? कन्वर्जन में। और इस इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नाम एकदम याद रखिएगा, एस्पिरिन। नाम भी सुना होगा, बहुत फेमस दवाई है। क्लियर है? बहुत फेमस दवाई है, इसीलिए लेटर चैप्टर से बहुत दवाई बनता है। जो पूरा इंडस्ट्री में सब बहुत दवाई वाली चीजें हैं, आगे जितने एल्डिहाइड कीटोन बाकी सब। बताइए किसके लिए यूज होता है, खुद बताओ। दूसरा रिएक्शन बताओ क्या बनेगा? MeOH एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच प्लस, क्या करो बताओ? रिएक्शन बताइए, कौन सा रिएक्शन करूं?
बताओ मोनीश क्या होगा आंसर बताओ, क्या करूं ऐसे आ जाएगा तो करना क्या है? स्मिट बताइए, प्रयुष बताओ, ऋषभ पूरा चमक ही नहीं रहा तुम लोगों। अरे स्मिट सीधा आंसर बताओ, करना क्या है? प्रोटोनेशन में मैकेनिज्म करोगे आईटी में चमक समय चला जाएगा। तुम लोग को इतना प्रैक्टिस होना चाहिए सीधा दिखाई पड़े और चमके, ऐसे करना है आईटी का एग्जाम यार, ऐसे नहीं कि मैं जब बताऊंगा तो। हाँ प्रयुष को याद आया, अरे मोनीश ऐसा प्रयुष को याद आया, वेरी गुड प्रयुष। एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन किसमें होता था? एक एसिड, एक एल्कोहल और एक कॉन्सेंट्रेट एच पे, सब मिल रहा है कि नहीं? अरे ऐसे करो ऑर्गेनिक, कहां फिनॉल के लिए मैंने बताया एस्टरीफिकेशन मोनीश? कब लिखा दिया मैंने कि इट हैपेंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स? देखो तो नोट्स, कुछ भी बोल रहे हो, कहां लिखाया हूं इट हैपेंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड? एस्टरीफिकेशन में कोई अल्कोहल होना चाहिए, तो क्यों इट हैपेंस फॉर एरोमेटिक कहां है? एक एसिड है, एक अल्कोहल है, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि एरोमेटिक नहीं है। क्या बनेगा बताओ आंसर, नाम याद रखना इसका, मिथाइल सैलिसाइलेट। स्मिट तेरे को याद क्यों नहीं रहता ये सब? कोई बोलता ही नहीं है यार तुम लोग का तो क्लास ना। और विंटर ग्रीन बोलते हैं इसको। वही तो सोचो, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? अभी प्रैक्टिस बहुत बाकी है। आईटी में देखो यार, आईटी छोड़ो, तुमको ऐसी ए से लेकर के जे तक पहुंच जाएगा। तुमको वहां तुम मैकेनिज्म सोच करके करना स्टार्ट किए तब तो तुम एक ही बना कराओगे पूरे केमिस्ट्री का, एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन तुरंत। एसिड, एल्कोहल, एस्टर दिखना चाहिए तुरंत, इतना प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताओ क्या होगा। बताओ आंसर। अरे फिर से अल्कोहल ही है और ये है वापस एस्टरीफिकेशन। ठीक है, फिनाइल सैलिसाइलेट बोलते हैं इसको। और इसका नाम है सेलोल। हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा ये बताया कि एरोमेटिक के लिए नहीं होता है। एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हो अपना, जहां है कि इट हैपेंस फॉर की नॉट हैपेंस? अगर होता तो मैं खुद ही बताता इट डज नॉट हैपन। अच्छा मुझे एक लास्ट ये बताओ, कोई अगर कोई दिमाग लगा करके ये बता सकता है, बताओ इसका आंसर। देखते हैं कौन दिमाग लगा करके कहीं कुछ भी लगा करके L2O3। बताओ क्या होगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो एकदम ब्लाइंड हो, मान लो एकदम ब्लाइंड क्वेश्चन आ गया, रॉ इंटेलिजेंस यूज करना है आपको, एकदम ब्लाइंड क्वेश्चन है, लेकिन आप Al2O3 के बारे में कुछ चीजें पहले जानते हो। Al2O3 इज यूज फॉर एरोमेटाइजेशन, इसमें पहले से एरोमेटिक है तो यहां वो कॉन्सेप्ट तो बनेगा नहीं। रिशित मैकेनिज्म नहीं बताना है, सीधा प्रोडक्ट बताओ। दूसरा वो AlCl3 है, दैट इज नॉट Al2O3। कहां Al2O3 देखे हो तुमने पहले ये बताओ, रिकॉल करो Al2O3 देखे कहां हो।
आइसोमेरिज्म में एल एल्केन में एल सी एल थ्री देखे थे यार स्मिट, चेक करो वापस जाकर के नोट्स, एल टू थ्री कहां से देख लिए तुम? फिडल क्राउट्स में ध्रुव एल सी एल थ्री देखे थे, एरोमेटाइजेशन में एल्केन था, यहां पहले से एरोमेटिक है तो क्या बनाएगा? अरे अगर तुम्हारा बात मान ले एरोमेटाइजेशन, तो यहाँ एरोमेटिक पहले से है, वो एल्केन में होता था ना, इसमें क्या एरोमेटाइजेशन? लॉजिकल सोचो। अच्छा वेरी गुड। अच्छा ये कहीं देखे हो क्या बोलते हैं, ये कभी मैंने तुम लोगों को कराया कि नहीं Al2O3? ये कराया है अल्कोहल में कि नहीं कराया है? इसको क्या बोलते थे, क्या मैंने कराया था कि दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑल्सो, ये भी कराया ना कि दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इसके साथ ये क्या बनाया था, THO2 बनाया था। तो इसका मतलब Al2O3 में अगर एसिटिक एसिड लगा हुआ है तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, क्या बनाएगा बताओ? एसिड से पानी खींचेगा तो क्या बनाएगा? ये तो इतना केमिस्ट्री तो आना चाहिए, पानी खींचते हैं तो एनहाइड्राइड बनाता है ना? एनहाइड्राइड बनाने का मतलब है CH3COH का एनहाइड्राइड तो यही बन गया ना, डब्लू अभी दिखा रहा हूं, यही तो बन गया। मतलब आंसर इज अगेन सेम, दिस इज नथिंग बट एस्पिरिन। किसी ने पहले एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं डाला, पहले Al2O3 और एसिटिक एसिड डाल दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम किया, वो Ac2O ही बन गया, और उसके बाद वही एस्पिरिन बन गया। मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, आंसर एस्पिरिन। एनी डाउट्स? सर हाँ बोलो सर, वो एनहाइड्राइड कैसे हो समझ नहीं। एनहाइड्राइड बनाने नहीं आता है क्या? ये ऐसे करो एनहाइड्राइड, H2 बाहर निकालो, यही तो बन गया Ac2O। ओके तीसरा कौन सा? PHOH? सर नहीं सर, वो नहीं है, Al2O3 के नीचे वाला CH3COH का। अरे वही तो अभी दिखाया ना, Al2O3 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो एसिड से पानी खींच लेगा, तो यही तो बना, यही तो Ac2 है यार, यही तो Ac2O है। और अभी हम लोग एस्पिरिन कैसे बनाए थे, मैंने इसका मैकेनिज्म नहीं बताया Ac2O का कैसे बनाया, वो आगे बताऊंगा, लेकिन इसको लिखा दिया हूं कि या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, ये बनता है, तो बन गया। क्या इसमें ठीक है? तो मतलब टोटल तीन एसिड्स चाहिए हम लोग को। तीन क्या? क्या बोले? नहीं नहीं छोटे सर। सर वो मतलब दो मोल दिए वैसा। किसके दो मोल दिए हुए हैं? हाँ यार ऑब्वियस बात है, तुमको एक मोल में भी दो मॉलिक्यूल होता है, एक मोल दिए हो तो कितने मॉलिक्यूल हैं? उसमें भी दो मॉलिक्यूल है।
ऐसा थोड़े ना कि वो एक मॉलिक्यूल डाल दिया होगा अंदर में, पकड़ के कहीं से एक मॉलिक्यूल डाला होगा। चलो ये सब नोट कर लिया इसमें। तो कोल्बी रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनता है, सेलॉल बनता है, एस्पिरिन बनता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए बेस OH- का रोल क्या है, कन्वर्ट्स फिनॉल टू फिनॉक्साइड। इसलिए तुम देखना थोड़ा सा बेस डालते हैं, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हाँ बोलो। इलेक्ट्रोफाइल वो माइनस, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो सर। वो इलेक्ट्रोफाइल इसलिए है ना कि माइनस आई है दोनों ऑक्सीजन। हाँ मतलब जब वो अटैक होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है, तो बाकी एक्चुअल रीजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मतलब ऐसे समझो वीक और स्ट्रॉन्ग रिलेटिव टर्म है, ऐसे समझ लो, इसको हटाओ वीक, बेंजीन खुद बहुत नालायक आदमी है, बस ऐसे समझ लो। और OH में भी इतना ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं रहता है कि इसके साथ रिएक्शन कर पाए, बस OH के साथ थोड़ा बेस डाल देते हैं, रिएक्शन और अच्छा होता है, ठीक है। बेस डालने से रिएक्शन और अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए क्लेजन रीअरेंजमेंट।
रिएक्शन का नाम है क्लेजन रीअरेंजमेंट। अच्छा यूनिट ये है, याद रखना दिस इज योर यूनिट OCH2, ऐसा दिखाई पड़ा, ये आपका यूनिट है, इसी को बोलते हैं अलाइल अराइल इथर। यूनिट देख लेना, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन के बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड। मार भी कर देता हूं, अल्फा बीटा गामा, और इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। तो ये बन जाता है, कॉपी करो। चलो नोट कर लिया सब लोग। अच्छा मैकेनिज्म देखो इसका, यूनिट याद रखना, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आपको वो याद ही रखना पड़ेगा। अब फिर से वो स्ट्राइक करना चाहिए, तुम स्ट्राइक तुम लोग को प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि करना क्या है, इतना सारा चीजें मिक्स हो जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये दिखाई पड़ा ऐसा चीज और हीट, समझ लेना कि भाई ग्लेजन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, अच्छा ग्रुप निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आएगा, तो देखो ये कैसे गया? न्यूक्लियोफाइल बगल में ही है, इतना हाई टेम्परेचर देते हैं तो न्यूक्लियोफाइल तो बगल में ही है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अ न्यूक्लियोफाइल, अटैक करता है, लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है किधर जाता है वो, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है वो इस कार्बन पर आएगा जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं,
और इस कार्बन पर जिसको मैं येलो से भी दिखा रहा हूं, इस पर कौन सा चार्ज आ रहा होगा? पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव इधर अटैक। पूरा स्टेप कंसर्टेड का मतलब एक स्टेप में सब काम। कैसा बनेगा बताओ इसमें? इतने हाई टेम्परेचर्स पे करते हैं तो कैसा बनेगा पहले बताइए। यहां पर डबल बॉन्ड ओ, देखो तो ये आया, एंड आफ्टर दिस सिस्टम जो है दैट अंडरगोस टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन कैसे होता है? एच निकला, ये बन गया टॉटोमराइजेशन। मालूम है ना कैसे करते हैं? सीओ के बगल वाला कार्बन का एच, ये मालूम है ना? डबल बॉन्ड इधर और इधर, डबल बॉन्ड इधर मानना। आप पूछो क्या डाउट है तो? सर वो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया था ना? हाँ टॉटोमराइजेशन वही होता है ना सर, पहले स्टेप्स में। हो गया। अच्छा यही देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये अल्फा है, अगर ये बीटा है, ये गामा है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट में कौन गामा है, कौन बीटा है, कौन अल्फा है? मार्क करिए, दिस इज गामा, दिस इज मतलब बॉन्ड किसके बीच में चला गया है, बॉन्ड किसके बीच में चला गया है? अल्फा बीटा, और कार्बन जो अटैच हुआ है ना वो गामा वाला है। जैसे इस पर अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और हीट कर दिया जाए, बताओ क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर बताइए। बस ये 14 कर दिया, इसका मतलब तुमको वो दिखा दिया कि अब तो आंसर में चेंज आ जाएगा ना, यहां तो वेज बन जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहां बन जाएगा, बट दूसरी जगह क्या होगा? ये बन जाएगा और ये तुम्हारा CH2-14 है। C और O का बॉन्ड इसलिए ब्रेक हो रहा है, इधर देखो, एक तो देव तुम बहुत हाई टेम्परेचर्स दिए हो, हाई टेम्परेचर्स पर इधर देखो, सबसे पहले अच्छा ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है ना देव, क्या रीजन होगा? अगर निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा ना, जो रेजोनेंस कर सकता हो। हाँ लिविंग ग्रुप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं होगा,
बट टूटने की टेंडेंसी तो इस ग्रुप की है, और तुमने डाल दिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 300 पे अगर जाओगे तब तो यार तुमने उसको एनहांस कर दिया ना टूटने की पॉसिबिलिटी को, तो रिएक्शन हो गया। और बगल में कोई न्यूक्लियोफाइल भी है, बगल में न्यूक्लियोफाइल भी तो है, जैसे ऐसे ये टूटेगा ये सब आपस में एक बार काम करके किसी को चार्ज भी नहीं सहना पड़ेगा। अरे देखो एक चीज सिंपल समझो, दुनिया में अगर टेम्परेचर्स तुम हाई करना स्टार्ट किए तो दुनिया में कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप छोड़ो, सब बैड लिविंग अच्छे ग्रुप हो जाएंगे। सीएल एक गुड लिविंग ग्रुप इसीलिए है, उसको टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं, वो नॉर्मल में ही काम कर जाएगा। पानी में छोड़ दो सीएल निकल गया, उसको सीएल पानी ही कर देगा। तुम उसके लिए टेम्परेचर 25 30 40 ही रख दो तो उसी लिए अच्छा लिविंग ग्रुप है। आयोडीन को भी किसी टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, आराम से डालो। कुछ कुछ चीजें N2+ सुपर लिविंग ग्रुप है, याद आ रहा है, 0 से 5 में ही निकल जाता है। इसको तो ठंडा ही ठंडा भी रख दें तो भी निकल जाता है। तो इसका मतलब कोई भी बॉन्ड टूट तो जो बॉन्ड है ये जो दिखा रहा हूं अभी रेड वाला, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप ऐसे भी है, बिकॉज अगर टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ रहा है। हाँ बस प्रॉब्लम ये है कि ये सब बॉन्ड्स जो हैं तुरंत 25 30 100 पर नहीं टूटते हैं, 200 300 दे दो टूट जाएंगे। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर याद आ रहा है सबको, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, उसमें भी तो टूटता था ना। इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? हाँ बोलो सर। वो बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड होगा वो भी ब्रेक होगा ना, मतलब जो वो, हाँ हाँ वो तो ब्रेक होगा। हाँ ये जैसे जैसे ये बॉन्ड टूट रहा होगा इस पर नेगेटिव आ रहा होगा, ये नेगेटिव तुरंत रेजोनेंस कर रहा होगा, ये यहाँ नेगेटिव डाल रहा होगा, ये इधर कार्बन पे प्लस ला रहा होगा, और ये दोनों आपस में बॉन्ड अटैक कर रहे होंगे। ओके सर, यूनिट आप बोल रहे थे वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन CH2 और C डबल बॉन्ड से? ये दिखाई पड़े जहां भी ऑक्सीजन से कार्बन, ये ऊपर वाला ऑर्गेनिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट की तरह याद रखना। देखो ऑर्गेनिक में एक और चीज करता है लोग सब, बच्चे लोग क्या करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यूनिट आप लोग याद नहीं रखते इसलिए फंसते हो। अभी दिखाया ना RCOH में अल्कोहल, दिमाग ही नहीं चल रहा है। IIT में अगर A से लेकर के J तक आ जाएगा बीच में, क्या दिमाग लगाओगे फिर? यूनिट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा यूनिट बताता हूँ। यूनिट का मतलब है कि आपको तुरंत देख करके समझना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, उतना समय ही नहीं लेगा आपको IIT। आपको सबसे पहले इतना वास्ट सब्जेक्ट है, कम से कम पिन पॉइंटेड तो हो जाओ कि इस डोमेन में सर्च करना है, नहीं तो दुनिया भर सर्च करोगे कुछ भी आएगा, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दें ये कर दें, दुनिया भर का काम सब करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुरंत अपना एक डोमेन सर्च कर लो, तुरंत देख करके इस डोमेन में इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इस डोमेन में खोजना है, फिर दिमाग लगा सकते हो ना। रैंडम चलोगे पूरा तो खोजते रहो फिर, तब तो बनेगा ही नहीं। चलो हाँ बोलो, आपको डाउट किसी को? चलो इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दुनिया में मनीष वेरी हाई को डिफाइन करो, व्हाट इज दैट वेरी हाई? अगर सन का टेम्परेचर दे दिया जाए ना, सन का टेम्परेचर Na+ तक बन जाता है, +10। डिफाइन योर टर्म्स एट वेरी हाई, एक्सट्रीम केस में कुछ भी हो सकता है, ये अलग बात है, कोई सन का टेम्परेचर देगा नहीं। हाँ अब तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर हम लोग कितना करें, हाँ 500 600 700, तो इसीलिए तुम्हारे लेवल पर, तुम्हारे इनऑर्गेनिक के
तुम्हारे ऑर्गेनिक के डोमेन में, मतलब तुम अभी 11 12th में हो, रिसर्च तो नहीं करना है, तुम विनाइल और नॉर्मली नहीं बनाओगे, बस सिंपल तुमको मैंने बता दिया। क्योंकि तुम जब करते हो तो तुम लोग 11 12th हो, तुमसे आईटी रिसर्च एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तुमसे वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है जो तुम लोग के डोमेन में हो। तुम लोग का डोमेन मतलब लैब वाले रिएक्शंस 200 300 400 तक मान लो, ठीक है? तो उस डोमेन में जो बातें बोलेंगे वो बातें हम लोग बोल रहे हैं, अदरवाइज इस दुनिया में केमिस्ट्री के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं है। एंड दिस इज हाउ अ मैच्योर माइंड थिंक्स, एक मैच्योर इंटेलिजेंट माइंड ऐसे ही सोचता है, उसको अपना डोमेन मालूम होता है कि मेरा दायरा ये है, उस दायरे को वो सच नहीं मान लेता है, उसको मालूम है कि इसके आगे भी है, आगे। अरे फिजिक्स में ही बार बार बोलता हूं, अभी आप लोग का दायरा है, आप लोग अर्थ एयर के चीजों को निग्लेक्ट करते हो, आगे ये सब निग्लेक्ट नहीं करोगे, आएगा वो सब चीजें, फ्लूइड का एयर का भी आएगा, और भी चीजें आएंगी। अभी तुम लोग मासलेस रोप लेते हो, फ्रिक्शनलेस रोप लेते हो, आप लोग बहुत दायरा सब हटाते हो। आपको क्या लगता है दुनिया यहीं तक सीमित गया है क्या? दुनिया इसके आगे भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें मैं बोल रहा हूं वो तुम लोग के सिलेबस के दौरान है। हाँ, ये कब बनता है मुनीश? ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये कब बनता है? प्रोवाइडेड N2+ हो। इसीलिए तुम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मत लगाओ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगाना है जो किताब में बता रहा हूं वही तुम्हारे सिलेबस में है, उसी को बनाना है, एक्स्ट्रा नहीं लगाने की जरूरत है, वो मैं ही बताते रहूंगा कब बनाना है कब नहीं। अच्छा, इधर ध्यान दो, मान लो अगर ये रिएक्शन है, ठीक है मोनिश, तो अपने सिलेबस में तुम जनरली ये सब नहीं बनाओगे कार्बोकैटायंस, अनलेस एंड टिल आई हैव मेंशन इट समवेयर। कुछ कार्बोकैटायंस आप लोग नहीं बनाओगे, चाहे हीट देखकर भी मत बना देना, ठीक है? तुम्हारे सिलेबस में वो नहीं है। कौन कौन से कार्बोकैटायंस नहीं बनाएंगे आप लोग अगर N2 प्लस नहीं हो तो? इन सबको अवॉइड करना है, ये सब कार्बोकैटायंस अवॉइड करना है, ब्रिजहेड वाले कुछ भी दिखाई पड़े। हाँ सर, CH3+ भी अवॉइड करना है, N2+ समय बनता है जहां मैं बताया हूं, अदरवाइज तुम इस सब में बारे में इनिशियली नहीं सोचोगे ज्यादा। चलो इसमें देखो इस चीज क्या होता है, इसको भी जब गर्म करते हैं ना, देखो बहुत अजीब सा बात होता है। चलो मैंने इसको हीट किया, अच्छा सब कुछ पहले तो कर लोगे, अटैक उठ रहा है, नेगेटिव आईएस का बंदर आ रहा है, बॉन्ड को ब्रेक कहां से आ गई, कितने हाई टेम्परेचर दिए हो तो बॉन्ड को ब्रेक ऑब्जर्वेशन वाइज देखा गया। अच्छा इसका कैसा बनेगा बताओ, हाँ भाई हाँ बता रहा हूँ, देखो कैसा बनेगा, पहला इसका बनाओ कैसा बनेगा, CO बना, देखो तो ऐसा बना, कार्बन 14 कौन सा है, कार्बन 14 मार्क भी कर देता हूं, चलो इसको मार देता हूं अल्फा बीटा गामा, बॉन्ड किसके बन गया, चलो यहां तक ठीक है। यहां तक ठीक है, अब इधर थोड़ा ध्यान देना इधर, ठीक है? अच्छा कैन दिस टॉटोमराइज, कैन दिस टॉटोमराइज, Can this undergo tautomerism? No,
बिकॉज इट हैज गॉट नो एच. ठीक है, तो अगर ये टॉटोमरिज्म अंडरगो नहीं करता है, लेकिन तो ऐसा लगता है हम लोगों की रिएक्शन नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, ये फिर से रिएक्शन करता है. अब देखो क्या कर रहा है, अब ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं. येलो वाला बॉन्ड फिर से अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, इतने हाई टेम्परेचर्स है यार, तो बॉन्ड तो ऐसे भी टूट रहा है, प्लस जो टूटने से जो नेगेटिव चार्ज आएगा, जो येलो वाला कार्बन दिखा रहा हूं ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, बगल में न्यूक्लियोफाइल है, देखो फिर से काम करता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, कौन सा बॉन्ड, येलो वाला बॉन्ड, येलो वाला बॉन्ड होगा तो ये इस कार्बन पर जिसको मैं एरो दिखा रहा हूं नेगेटिव चार्ज आएगा, वो तुरंत रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज इस पर लाएगा, चलो इसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, ब्लू वाले पे दिखाएगा और ये तुरंत फिर इस पर अटैक. और ये सब काम कैसे होगा, ये सब काम कैसे होगा, साइमल्टेनियसली. कैसा बनेगा बताओ, स्टेप वाइज कर दूं क्या, ऑब्जर्वेशन वाइज फिर से हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ है ये वाला, इधर देखो इसका अगर ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा, बना देता हूं, ये बॉन्ड इधर बन रहा होगा, ये इधर बन रहा होगा, इनके बीच में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड बन रहा होगा, ये बॉन्ड बन रहा होगा, देखो तो ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा. फाइनली क्या होगा बताओ, इसको मार्क भी कर देते हैं, मेरा 14 वाला कौन सा था, मेरा 14 वाला ये था, ये अल्फा था, ये बीटा था, तो ये कैसा बनेगा, ये तो ट्रांजिशन स्टेट बना, फाइनली क्या बनेगा, सीओ एमई एमई, उसके बाद बताइए, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, सबको समझ में आ रहा है, यहां क्या लग जाएगा बताओ, यहां क्या लगेगा, वापस अल्फा लग गया, बॉन्ड किसके बीच में बन गया, अल्फा और बीटा के बीच में, और वापस यहां पर क्या आ गया, बॉन्ड किसके बीच में बना है चेक करो तो, सॉरी बॉन्ड बना है बीटा और 14 के बीच में, सब लोग चेक करिए तो ये बन रहा है कि नहीं, चेक करो, हाँ आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलो, सबको ये क्लियर है यहां तक, अच्छा और इसके बाद ये टॉटोमराइज करेगा कि नहीं, इसके बाद ये टॉटोमराइज करेगा कि नहीं, यहां जो टॉटोमराइज कर सकता है, इतना हाई टेम्परेचर्स है, टॉटोमराइज, ये बॉन्ड टूटा, सर ट्रांजिशन स्टेट में कैसा है एक बार बता सकते हो, हाँ बता रहा हूं, इसको नोट कर लो, बताता हूं, तो देखो फाइनली आंसर ये बन जाएगा, लेकिन लास्ट स्टेप इज टॉटोमराइजेशन, बट इसमें हुआ क्या है, वापस सी 14 वाला यहां लग गया है, कॉपी करो मैं फिर से बताता हूं, सर हाँ बोलो, सर वो आप बोल रहे थे ना कि वो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, कौन सा लिविंग ग्रुप, नहीं समझा, फिर से बताएंगे क्या सेकंड स्टेप, हाँ बता रहा हूं,
फिर से बता रहा हूँ, ये हो गया सर, नोट कर लिया इसको। हाँ रशीद, याद तो रखना ही है, ऑब्वियस बात है। देखो इधर, हम लोग यहां तक आए थे। अच्छा, लिविंग ग्रुप किसको बोलते हैं? मैंने पहले ही लिविंग ग्रुप को डिफाइन किया है। लिविंग ग्रुप का मतलब जो आसानी से टूट पाए। अब वैसे आसान तो एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन इतना तो हम लोग किए हुए हैं, आसान का मतलब जो निकलने के बाद अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो। इसका मतलब पहले हम लोग ये बना लेते हैं, पहले ये बन गया, ये मेरा 14 था, ये मेरा बीटा, ये अल्फा, ठीक है। ओके, अच्छा इधर ध्यान देना, येलो वाला बॉन्ड किस पर आएगा? अगर येलो वाला बॉन्ड पर ये दिख तो रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका मतलब इसके टूटने की टेंडेंसी तो है ही, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। हाँ, मतलब टूटने का टेंडेंसी मतलब सिर्फ पानी में डाल देने से नहीं टूटेगा। सीएल जैसा अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, N2 प्लस जैसा नहीं है, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई दिया जाए 200 डिग्री से तो ये टूट सकता है। तो हुआ क्या होगा, ये जरूर स्टेप वाइज देखो, सबसे पहले टूटा होगा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? ये C14 वाले पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। इस पर आएगा नेगेटिव। तुरंत ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया होगा, पाई बॉन्ड, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं, बाद में एक साथ दिखाऊंगा। ये इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इस पर आया प्लस, ये नेगेटिव, तुरंत रेजोनेंस किया होगा, इस पर आया नेगेटिव, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए, ये जुड़ गया इसके साथ। समझा? अब इसका ट्रांजिशन स्टेट रुको, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाएंगे इसका? अब इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाएंगे, सब काम कैसे करेंगे? ऐसे था, दिखाते ऐसे हैं, सॉरी, अब इसी स्टेप को बारी बारी करके एक बार खुद बना दीजिए। बताओ क्या होगा, C14 और ये जो ग्रीन वाला बॉन्ड है ये टूट रहा होगा, C14 और बीटा वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, अल्फा और बीटा वाला कार्बन का जो बॉन्ड है वो भी टूट रहा होगा, उसका पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो रहा होगा? बीटा और 14 के बीच में, जो ये वाला कार्बन इसको डॉट, जिसको रेड से दिखा रहा हूं, उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, वो तुरंत रेजोनेंस कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा तो वो यहां नेगेटिव ला रहा होगा, सॉरी बॉन्ड यहां बना रहा होगा, और जब ये रेजोनेंस कर रहा होगा तो ये जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं यहां पर, ये बॉन्ड भी टूट रहा होगा। इस कार्बन अल्फा वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा होगा? पॉजिटिव, और जो मैं ये ग्रीन वाला दिखा रहा हूं डॉट, उस पर आ रहा होगा नेगेटिव, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे। क्या क्लियर है सर? हाँ बोलो। जो वो गुड लिविंग ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो हम लोग स्टेबिलिटी उसका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस से, वो बोलेंगे, या फिर वो जो दोनों बोलो, कुछ भी बोलो, घूम के तो वही जा रहा है। अरे घूम कर सीधा घुमाओगे, घुमा घुमा के वहां जाओ, एक ही बात है ना। ओके, हाँ घूम के समझी क्या बोला, या तो पूरा चक्कर लगाकर घुमाओ या सीधा वहां ले जाओ, कुछ भी बोलो क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव चार्ज तो है, आ ही रहा है तो स्टेबल है ही। ओके
ओके सर, और सर फर्स्ट स्टेप में वो टॉटमराइज नहीं हुआ क्योंकि कार्बन 14 से जो कार्बन है उसके पास कोई एच नहीं है, एच ही नहीं है, तो फाइनली ये बन गया। अब बताइए किसी को कोई डाउट है तो, और फाइनली इसके बाद तो टॉटमराइज हो जाएगा, 14 इधर आ गया बीटा और इसके बीच में ये अल्फा बन गया, और अब फिर से क्या हो गया टॉटमराइज। बताओ कोई डाउट, तो आपका आंसर ये बन गया। 14 याद रखना वापस पलट गया, 14 वापस पीछे आ गया, 14 जो है वो वापस पीछे, दोनों तरफ बल्कि ग्रुप पलट जाना चाहिए। समझा नहीं इसका क्या मतलब है पलट जाना चाहिए, समझा नहीं पलटना मतलब कैसे बोल रहा है। तो रेजोनेंस कहां हो रहा है, कहां रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है? ओ अरे रेजोनेंस को इधर क्यों मिला दिया है यार, कौन ये OH पलट जाना चाहिए ऐसा यार कहां लगता है, चेक कर तो मैंने OH लिखाया था क्या यूनिट में, जीओसी में चेक कर तो क्या OH लिखाया था क्या? हाँ COH लिखाया था, याद आया स्मिट? तब अब बताओ कोई डाउट है तो, अच्छा नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट क्लास फिनॉल खत्म हो जाएगा, और मैं डिहाइड्रेशन के आपको ये भी बताऊंगा, क्या बोलता हूं कुछ क्वेश्चंस दूंगा फॉर होमवर्क, उसको मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूंगा। तो नेक्स्ट क्लास फिनॉल खत्म है, फिनॉल रिवाइज करके आना, क्या रिवाइज करके आना बता रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को रिकॉल ही नहीं हो रहा हो। फिनॉल खत्म होने वाला है नेक्स्ट क्लास, कुछ रिएक्शंस एक्स्ट्रा बाकी हैं, और डिहाइड्रेशन पर होमवर्क दूंगा, ठीक है? उसके बाद वी विल बी मूविंग ऑन टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो मैंने बोला ही था फिनॉल में दो क्लास लगेगा, लास्ट क्लास हम लोग 10 छुए थे, तो एक ये क्लास और एक नेक्स्ट क्लास। सर आपका क्लास फ्राइडे को था? कौन सा क्लास? फ्राइडे को था क्या आपका क्लास? नहीं आपकी क्लास नहीं, इस वीक फ्राइडे को है ना, कल क्यों नहीं था, आज कल क्यों नहीं था मतलब, ओ थर्सडे, अरे अरे यार मैं सर वो स्वैप किया था ना, हाँ वो स्वैप वाला, अरे मैं एक जगह नहीं पढ़ाता हूँ ना, वही